السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قابل قدر اور قابل احترام میرے بزرگوں، زندہ دل نوجوان بھائیوں، عزیز روحانی بیٹوں، حیا و عفت کی چادروں میں بہ کر اور ملبوس اسلامی ماں بہنوں اور بیٹیوں، اپنے گھر کی اصلاح کیجیے، اس حوالے سے گزشتہ ماہ خطبہ جمعۃ المبارک میں چند بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. پرندہ ہو یا دیگر مخلوقات، رینگنے والی چونٹی ہو یا دیوگان ہاتھی، پانیوں میں رہنے والی مچھلی ہو یا آسمانوں میں اڑانے بھرنے والا عقاب، ان میں سے ہر ایک ہی اپنا اپنا گھر اپنے اپنے انداز میں بناتا ہے، اور گھر اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے. گھر کا چھین جانا اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل ہوتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السفر قطعة من العذاب، کہ سفر بھی عذاب کا حصہ ہوتا ہے. تم میں سے جب کوئی شخص سفر میں ہو، اس کی ضروریات پوری ہو جائیں، فلیعجل او یعجل الی اہلہ، تو جلدی گھر واپس آ جائے. جناب عقبہ نے نبی علیہ السلام و السلام سے پوچھا، من نجا، اے اللہ کے پیارے نبی، نجات کیسے ملے گی؟ پریشانیوں سے نجات، الجھنوں سے نجات، مصیبتوں سے نجات، بے چینیوں سے نجات، تین نسخے بتائے. فرمایا، امسک علیک لسانک
अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो। वलियसअका बैतुक, ज्यादा से ज्यादा घर में रहो। वबकी अला खतियतिक, और अपने गुनाहों पे आंसू बहाया करो। आज मेरा और आपका सबसे बड़ा मसला मौजूदा मसाइल में से ये है, हमें दूसरों की फिक्र ज्यादा है और अपनी फिक्र कम है। ये फिक्र हमें बेचैन रखती है कि मेरी गली में फुलां घर ऐसे है, फुलां घर ऐसे है, फुलां घर ऐसे है, फुलां की बीवी ऐसे है, फुलां का खावंद ऐसे है, फुलां की बहू ऐसे है, फुलां का दामाद ऐसे है, फुलां औरत की सास ऐसे है और फुलां का ससुर ऐसे है, लेकिन मेरा अपना घर कैसा है, इसकी हमें फिक्र नहीं है या बहुत कम है। और इससे ज्यादा अफसोस का बायस ये अमर भी है कि हम घर में रहकर भी आज के दौर में घर से बाहर हैं, घर में रहकर भी घर से बाहर हैं। जो शख्स घर में आए और अपने मोबाइल में मस्त हो जाए, जो घर में आए और व्हाट्सएप की चैटिंग में गुम हो जाए, जो घर में आए फेसबुक के पेजेस पे कहीं घूमता फिरता रहे, घर में आए और टेलीविजन की स्क्रीन पे ही मुसलसल घूमता रहे, वो घर में रहकर भी घर से बाहर, वो कैसा बदनसीब इंसान है। उसे फेसबुक पे समंदर पार बैठे दोस्तों की खबर है और अपने घर से बेखबर। वो टेलीविजन की स्क्रीन पे बैठ के अमरीका और यूरोप के हालात से आगाह है और अपने घर से वाकिफ है। अपने घर की इस्लाह कीजिए, अपने घर की सबसे पहले फिक्र कीजिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि अगर आपने फिक्र न की तो आप दुनिया में पछताएंगे, इसलिए भी कि आप आखिरत में भी पछताएंगे। इन्नल्लाह सائلٌ كل راع أما استرعى حتى يسأل الرجل عن أهل بيته أحافظ أم ضيع। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, यकीनन अल्लाह ताला हर शख्स से उसके मतहत अफराद के बारे में हिसाब लेंगे और उससे पूछेंगे, हत्ता के घर के सरबराह से पूछेंगे घर वालों की हिफाजत की थी या उनको जाया कर दिया था। सबसे पहला उसूल अपने घर की फिक्र और अपने घर की इस्लाह के बारे में ये है, अगर आप गैर शादीशुदा हैं और रिश्ते की तलाश में हैं तो सबसे पहली नजर दीनदारी पर रखें। अगर आप वालिदैन हैं और किसी को दामाद बनाना चाहते हैं, अगर आपके घर में जवान बेटे हैं और किसी को आप बहू बनाना चाहते हैं, घर की इस्लाह का आगाज यहां से होता है। जब हम बुनियाद ही गलत रख दें और रिश्ते के इंतखाब के वक्त, बीवी के इंतखाब के वक्त, शौहर के ऊपर रजामंदी के इजहार के वक्त, बहू बनाते वक्त, दामाद ढूंढते वक्त हम कोठी भी देख लें, बंगला भी देख लें, कार भी देख लें, गाड़ियां भी देख लें, हुसन भी देख लें, शक्लो सूरत भी देख लें, खानदान भी देख लें, हस्बो नसब भी देख लें,
मनसब भी देख लें, ओहदा भी देख लें, इनको देखना गुनाह नहीं है, लेकिन ये सब कुछ देखकर अगर आपने दीन नहीं देखा तो इन सब को जीरो से जरूर दे दें। आप सब कुछ लेकर भी तही दामन हैं, आप सब कुछ पाकर भी खाली हाथ हैं, और अगर बाकी कुछ नहीं लेकिन दीन है, अखलाक है, नरमी है, मोहब्बत है, अल्लाह का खौफ है, रसूलुल्लाह का खौफ है, और दीन अखलाक का मतलब सिर्फ दाढ़ी टोपी रुमाल नहीं, पूरा दीन, दीन है, अखलाक है, नरमी है, सब कुछ है, दुनिया का कुछ नहीं तो समझ लें कि सब कुछ है, सब कुछ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की यही तरबियत की थी, और इसमें भी सबसे पहले अकीदे को देखना। आप किसी को दामाद बना रहे हैं या किसी को बहू बना के ला रहे हैं, कभी उसके अकीदे का जायजा तो लें, कहीं ये अकीदे की इतनी कमजोर तो नहीं, कभी बाजू पे तावीज बंधे हैं, कभी गले के अंदर तावीज लटके हैं, कभी मजारात पे सजदे हैं, कभी गैरुल्लाह की नजरें नियाजे हैं, और सजदे की कभी तौफीक ही नहीं। ऐसी औरत को अगर आपने बहू बना लिया तो अपना घर बर्बाद कर दिया, और अगर ऐसे शख्स को आपने अपना दामाद बना लिया तो अपने घर को तबाह कर दिया। आप अल्लाह के यहां जवाब देंगे, आपसे अल्लाह के यहां पूछा जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने तो यही तरबियत की थी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐसे निकाह से कतई तौर पे मना कर दिया, वला तनकिहुल मुशरिकात वला तनकिहु, कभी भी तुम रिश्ता न करो, निकाह न करो मुशरिक औरतों से, शिरक करने वाली औरतों से। वला अमतुम मुमिना खैरुम मिन मुशरिका वलौ अअजबतकुम, अगर घर के अंदर काम करने वाली नौकरानी पैसों से खरीदी हुई जर खरीद लौंडी वो हो ईमान वाली हो, आजाद शिरक करने वाली औरत से बेहतर है। यहां तक अल्फाज है, जब तक कि वो ईमान न ले आए। कहा वाला तुम कि उल मुशरिकीन, और मुशरिक मर्दों को निकाह ना दो, शिरक करने वाले मर्दों को निकाह ना दो जब तक ईमान न ले आए। वला अब्द मुमिन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम, जर खरीद गुलाम जो पैसों से खरीदा गया हो, घरों में बर्तन साफ करता हो, बोरियां कंधों पे लादता हो, मजदूरियां करता हो, उसकी अपनी चलती ना हो, किसी का खरीदा हुआ गुलाम हो लेकिन ईमान वाला हो, अल्लाह ने रब्बुल आलमीन ने अहकमुल हाकिमीन ने सीनों के राजों को जानने वाले मेरे और आपके सबसे बड़े खैर खा ने कहा कि वो गुलाम मोमिन आजाद मुशरिक से बेहतर है। क्यों? उलाइक यदउन इलन्नार वल्लाहु यदउ इलल जन्नति वल मग़फिरति बिइज़्नी, ये तुम्हें जहन्नम की राहों पे ले जाएंगे। अगर दुनिया संवर भी गई तुम्हारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। अव्वल तो दुनिया में ही सुकून नहीं मिलेगा, फर्ज करें दुनिया में सुकून मिल भी गया, तुम्हारी आखिरत ऐसी बर्बाद करेगी। वो मुशरिका बहू और वो मुशरिक दामाद, वो मुशरिका बीवी और मुशरिक खामन तुम्हारी आखिरत को ऐसे बर्बाद करेगा कि अल्लाह की अदालत में तुम एक दूसरे के दुश्मन बन जाओगे, और अपनी उंगलियां चबा चबा के काट काट के कहोगे काश मैंने उसे दोस्त ना बनाया होता। जब दोस्त बनाने की इजाजत नहीं है तो पूरी जिंदगी का साथ, ये तो उससे अगले मरहले की चीज है।
कितने ही ऐसे लोग हैं, एक रिश्ता वो भी रिजेक्ट, दूसरा रिश्ता वो भी रिजेक्ट, तीसरा रिश्ता वो भी रिजेक्ट, चौथा रिश्ता वो भी रिजेक्ट। वजह, नेक भी है, साले भी है, दीनदार भी है, बाअखलाक भी है, खुदा तरसी वाला भी है, अल्लाह का खौफ करने वाला भी है। मैं बार बार अर्ज करूंगा कि हमने दीनदार का मतलब भी छोटा सा रखा हुआ है, बस दाढ़ी हो, सलवार टखनों से ऊपर टोपी, ये नहीं, पूरा दीन, अखलाक में दीन, तकवा में दीन, दिल में दीन, जुबान की नरमी में, शिरीनी में, मिठास में, हर एक चीज में दीन झलकता दिखाई देगा। इसके बावजूद रिजेक्ट करते रहेंगे, ऊंची कोठी, बंगला, ओहदा, जायदाद, जमीनें देखी तो फिर कोई फिक्र नहीं, बेनमाज है कोई बात नहीं, नमाज शुरू कर ही देगा। कब्रों का पुजारी है कोई बात नहीं, ठीक हो ही जाएगा। मेरे मोहतरम भाइयों, आम हालात में जब वो गरीब हो तो फिर आप क्यों नहीं कहते कोई बात नहीं, दौलत आ ही जाएगी। उसके पास मकान नहीं है तो फिर तुम्हारा तवक्कुल मजबूत क्यों नहीं होता, कोई बात नहीं मकान बना ही लेगा। वहां हर चीज पहले देखते हैं, जब दीन की बारी आए फिर इधर उधर चूंके चुनाचे, अगरचे मगरचे, टाल मटोल, हीले बहाने, इन चीजों से काम लिया जाता है। दूसरा उसूल ये जहन में रखिए, कभी भी अपने घर की अगर फिक्र है आपको और अपने घर की इस्लाह चाहते हैं, बदकार जानी मर्द को अपना दामाद न बनने दें और बदकार जानी औरत को अपनी बीवी या अपनी बहू बनने के लिए कभी मुंतखब न करें। शिर्क और कुफर के बाद अल्लाह ने बदकारी और जिना का तज़किरा किया और सहाबाए किराम की यही तरबियत हुई थी। शिर्क और कुफर की बात आई तो मुझे उम्मे सुलेम की याद आई, रज़ी अल्लाहु अन्हा व अर्ज़ाहा, क्या खातून थी वो, क्या अजमत थी उनकी, जवानी थी, हुसन था, शादी हुई मालिक इब्न नजर से, पहले से शादी हुई हुई थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन की नेमत दी, अपने बेटे अनस को दीन की तरफ लगाया, खावन कहता है मेरे बेटे को बिगाड़ रही हो, अल्लाह का करना ऐसा हुआ, मालिक का मर्डर हो गया, कत्ल हो गया। उम्मे सुलेम जवानी में है, खूबसूरत हैं, हुसीना हैं, शादी हो सकती है, शादी की उम्र है, अबू तलहा मालदार है, ताजिर है, बिजनेसमैन है, कहता है इतना सोना, इतनी चांदी, ऐसी कोठी, ऐसा घर, बेवा होके बैठी हो, मेरे निकाह में आ जाओ। उम्मे सुलेम जवाब देती हैं, अबू तलहा तेरा घर, तेरी दौलत, तेरा सोना, तेरी चांदी, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, अगर मेरा रिश्ता चाहते हो तो कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ, दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाओ। वो मर्द था, उसने सोचा होगा थोड़ा माल है, ज्यादा देता हूं औरत है मान जाएगी, ऐसे बहाना बनाती है दीन का, कहा इतना सोना, इतनी और चांदी, इतनी और जायदाद, इतनी और चीजें, मेरा रिश्ता कबूल कर लो। कहा तुम्हारी दौलतों को जूते की नोक पे रखती हूं, अबू तलहा कलमा पढ़ लो, मैं उस पैगंबर को मानने वाली हूं, अगर तुम कलमा पढ़ लोगे मैं हक मेहर भी लेना पसंद नहीं करूंगी, तुम्हारा कलमा ही हक मेहर होगा, तुम्हारा मुसलमान होना ही हक मेहर होगा, तुम्हारा इस्लाम कबूल करना ही हक मेहर होगा। जनाबे अबू तलहा सोचने पे मजबूर हो गए होंगे कि ये कैसा दीन है जिसको मानने वाली एक औरत हर चीज को ठुकरा रही है। उन्होंने गौर व फिक्र किया होगा, दीन के दलाइल पे सोचा होगा,
तौहीद और सुन्नत पे सोचा होगा, कुरान की आयात में गौर किया होगा, पैगंबर के सहाबा को स्टडी किया होगा, पैगंबर की जात को मजीद करीब से देखा होगा कि ये कौन सी हस्ती है जो औरतों के जाविये निगाह को इस हद तक बदल के रख देती है। सब कुछ देखने के बाद रहा नहीं गया होगा, कहा उम्मे सुलेम तुम्हारी जैसी अजीम औरत से रिश्ता हर सूरत में करूंगा, तुम्हारा दीन भी पसंद है, तुम्हारी शख्सियत भी पसंद है। कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान हो जाते हैं। सहाबा कहते थे हमारी इस्लामी तारीख में उम्मे सुलेम से ज्यादा कीमती हक महर किसी का नहीं था। इस्लाम से कीमती चीज ही कोई नहीं। उस दौर में औरतों के बड़े बड़े हक महर होते थे, रिश्तों की बड़ी काल कमी होती थी, औरतों की शरह पैदाइश आज जैसी नहीं थी, कम थी। जो कुछ मुतालबा करना चाहती कर सकती थी, कहा नहीं कुछ नहीं चाहिए, इस्लाम कबूल कर लो। फिर अल्लाह ने इनकी जिंदगी में ऐसी बरकत दी, ऐसी बरकत दी, ऐसी बरकत दी, और इस औरत को भी अल्लाह ने ऐसी साबिरा शाकिरा बनाया। एक बेटा था इनका उमेर, उमेर एक पहले खावन से बेटा था अनस। जब 10 साल के हुए अपने बेटे को अल्लाह के नबी की खिदमत में दे दिया, ए अल्लाह के प्यारे नबी मेरा बेटा तुम्हारा खादिम होगा, बस ये आपकी खिदमत के लिए वक्फ होगा। दूसरा बेटा उमेर, उसको छोटे छोटे परिंदे ले दिए, दिल में उनसे घर बहलाता, और अल्लाह के प्यारे नबी इस खानदान से इतनी मोहब्बत करते, कभी उमेर आते तो उनसे पूछते प्यार मोहब्बत के साथ, या अबा उमेर मा फअल नुगैर, यानी इनकी नस्लों से भी मोहब्बत, तुम्हारे परिंदे का क्या हाल है? परिंदा फौत हो गया, फिर पूछा क्या हाल है? जनाबे अबू तल्हा रजी अल्लाह ताला, वक्त गुजरता गया, इनका बेटा बीमार था, सफर पे जाना पड़ा, सफर पे रवाना हो गए, घर में उम्मे सुलेम अकेली, अपने बेटे बच्चे को संभालने वाली, वो बच्चा दम तोड़ जाता है। अबू तल्हा वापस आते हैं, पूछते हैं बच्चे का क्या हाल है? कहती हैं फिक्र न करें, अस्कन पहले से सुकून में है, पहले से सुकून में है, बनती हैं संवरती हैं, खावन के साथ रात गुजारती हैं, सुबह हो जाती है। उम्मे सुलेम अपने खावन को पास बिठा के पूछती हैं, ए मेरे शोहरे नामदार, मेरे सर के ताज, एक मसला तो समझाओ, अगर आपको किसी ने उधार चीज अमानत दी हो और फिर वो उधार चीज जो आपने ली थी वापस लेने आ जाए, तो क्या मालिक को उधार मांगी हुई चीज वापस कर देनी चाहिए? अबू तलहा कहते हैं क्यों नहीं, अल्लाह की बंदी करनी चाहिए, मालिक की चीज है, उधार मिली थी, जब वो मांगे वापस करनी चाहिए। उम्मे सुलेम कहती अबू तलहा तुम्हारा बेटा अमानत था, मालिक ने वापस ले लिया है, हमारा बच्चा अल्लाह की अमानत था, मालिक ने वापस ले लिया है। अबू तलहा नाराज हो जाते हैं, उम्मे सुलेम घर में बेटे की मैयत पड़ी थी और हमने रात मियां बीवी वाला ताल्लुक कायम किया, ये तुमने क्या हशर कर दिया है? क्या अजमत थी उस खातून की, न जाने उसने क्या क्या सोचा होगा कि शौहर है, सफर से आया है, थका हुआ है, हालात का मारा हुआ है, घर से परेशान गया था, बेटा बीमार है, आते ही उसने पूछा है बेटे का क्या हाल है, मैं कहूंगी फौत हो गया, पता नहीं बेचारे की रात कैसे कटेगी। उसके अंदर भी मां की ममता थी, उसका दिल भी पसीजता था,
उसने भी अपने आंसुओं पे जब्त किया होगा, उसने भी न जाने किस कैसे पत्थर बांध के अपने दिल को हौसला दिया होगा अपने खावन की खातिर। ईमान वाली औरतें इस तरह की औरतें हुआ करती हैं। नाराज हुए, मामला अल्लाह के प्यारे नबी के पास पहुंच गया। अल्लाह के नबी नाराज नहीं हुए, दुआ दी, कहा अबू तलहा मेरी दुआ है तुम्हारी रात में अल्लाह बरकतें कर दे, तुम्हारी रात में अल्लाह बरकतें कर दे। अल्लाह फिर ऐसी बरकतें करता है कि इस नेक और पाक बाज औरत से, इसके बतन से और आगे इसकी औलाद से अल्लाह अबू तलहा को 7 पोते बेटे ऐसे देता है और 7ों के 7ों ही कुरान के हाफिज बनते हैं। वला अमतुम मुमिना खैरुम मिन मुशरिका वलौ आजबतकुम। मुशरिका औरत हुस्न वाली हो, जमाल वाली हो, कद वाली हो, काठ वाली हो, लेकिन जिसका अकीदा इतना बर्बाद, बात बात पे डरने वाली, एक एक परेशानी पे घबराने वाली, न रब की जात पे यकीन, न रब की सिफात पे ईमान, न रब पे तवक्कुल, न उस पे सहारा, वो तो तुम्हें भी बुजदिल बनाएगी, तुम्हें भी ढेरियों पे लेके जाएगी, तुम्हें भी आस्थानों पे झुकाएगी, तुम बस भी गए तो तुम्हारी औलाद को तबाह करेगी, तुम्हारी औलाद को बर्बाद करेगी, उसे उन राहों पे लेके जाएगी कि फिर तुम्हारी नींदें हराम हो जाएंगी और पछताते रह जाओगे। अगर दुनिया खैरियत से गुजर भी गई तो आखिरत का क्या करोगे? वहां एक दूसरे के दुश्मन, वल्मुमिनून वल्मुमिनातु बाज़ुहुम औलिया बाज़िन। मोमिन मर्द, मोमिन औरतें, इनकी सच्ची दोस्तियां होती हैं, इनके सच्चे ताल्लुक होते हैं। मोमिन मर्द के घर में मोमिन औरत हो, दुनिया में भी साथ होगी और जन्नत में भी साथ होगी। यहां भी सुकून का गहवारा होगा और आखिरत में भी सुकून का गहवारा होगा। रिश्ते के इंतखाब में, घर की इस्लाह में सबसे बुनियादी किरदार औरत का होता है। अगर आपने उसका इंतखाब ही गलत कर लिया है तो फिर उसका खमियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आपके घर में एसी मौजूद है, अगर आपके घर में फ्रीजर मौजूद है, अगर आपके घर में पत्थर की खूबसूरत नक्शो निगार वाली टाइलें मौजूद हैं, अगर आपके घर में 3-3 बेडरूम मौजूद हैं, अगर आपके घर में लाखों के बने हुए वॉशरूम्स टॉयलेट्स मौजूद हैं, अगर आपके घर में दुनिया का कीमती फर्नीचर मौजूद है, अगर आपके घर में कायनात की हर सहूलत मौजूद है, और मेरे नौजवान बेटो, मेरे भाई और बुजुर्गो, लेकिन आपके घर में नेक औरत नहीं, वो घर नहीं, वीराना है, बंजर है, जंगल है, वो घर नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, दुनिया कुल्लुहा मता, सारी दुनिया साजो सामान है, कहीं सोने का सामान, कहीं चांदी का सामान, कहीं हीरे, कहीं जवाहरात, कहीं फर्नीचर, कहीं बेडरूम, कहीं ड्राइंग रूम, कहीं रिहायशें, कहीं कोठियां, कहीं बंगले, कहीं रुपए, कहीं पैसे, कहीं सोना और चांदी की खनक चमक दमक, यही दुनिया है। वखैरु मताई दुनिया अलमरअतु सालिहा। लेकिन पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, दुनिया में सबसे कीमती चीज नेक बीवी होती है। अगर आपके पास वो नहीं तो कुछ भी नहीं। अकीदे को देखें, नजरियात को देखें, ईमान को देखें, तौहीद को देखें, तवक्कुल को देखें, यकीन को देखें। वालदे गिरामी जहां लेते हैं अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बगीचा बनाए, फरमाया करते थे बेटे अल्लाह से पूछो, अल्लाह से पूछो रिश्ता कौन सा मयारी होता है, अल्लाह से पूछो। सबसे पूछते हो ना,
रिश्ते का इंतखाब कैसे करें। वालदे गिरामी ने भी कुरान में क्या गौर व फिक्र किया था, कहते बेटे तुम्हें बताऊं मिसाली रिश्ता क्या होता है। फिर उन्होंने कुरान की आयत खोली, जुबानी ना बताया, कुरान की आयत खोली। आयत खोल के कहा यहां उंगली रखो और ये आयत पढ़ो। इसमें अल्लाह ने अपने पैगंबर को मिसाली रिश्ता बताया है, अयुब्दिलहु अज़वाजन खैरम मिनकुन्ना मुस्लिमातिन मुमिनातिन कानितातिन ताइबातिन आबिदातिन साइहातिन। कहा अल्लाह ने नबी की बीवियों से कहा, अगर अल्लाह चाहे तो अपने पैगंबर को तुमसे भी बेहतर बीवियां दे सकता है। तुमसे बेहतर कैसे, उनमें ये खूबियां कमाल दर्जे की हों, मुस्लिमातिन अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाली, मुमिनातिन अल्लाह पे ईमान और यकीन रखने वाली, कानितातिन अल्लाह की रसूल की अपने खावन की इताअत करने वाली, ताइबातिन गलती हो जाए तो तौबा करने वाली, आबिदातिन मसल्लों को अपने आंसुओं से तर करने वाली, नमाजें पढ़ने वाली, इबादत करने वाली, साइहातिन रोजे रखने वाली। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुरान में ऐसे रिश्ते को मिसाली रिश्ता करार दिया। बिल्कुल यही सूरत हाल मर्दों की भी तरबियत ऐसी ही की गई। पहली अर्ज की थी घर की इस्लाह में पहली चीज अकीदा है, नजरिया है, तौहीद है, तवक्कुल है, इताअत है, इत्तेबाए सुन्नत है। इस नहज पे तरबियत है कि जो भी हो जाए अल्लाह की बात माननी है, अल्लाह के रसूल की बात माननी है। जब औरत की यह तरबियत होगी, मर्द की यह तरबियत होगी, बहू की यह तरबियत होगी, खावंद की यह तरबियत होगी, फिर किसी पे जुल्म नहीं होगा। हर बात मनवाने के लिए कुरान की आयत काफी होगी, पैगंबर की हदीस काफी होगी। दूसरी बुनियादी खूबी घर की इस्लाह के हवाले से, घर में बदकारी ना हो। खावंद बदकार है तो उससे निकाह करना बेकार, औरत बदकारा बेहया है, जगह जगह के जायके चखने की आदी है तो वो घर बर्बाद। तुम समझते हो मजबूरी है गुजारा कर लेता हूं, कब तक गुजारा करोगे। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अपने घर में इस बेगैरती को बर्दाश्त करते रहे, एक साल बर्दाश्त किया, दो साल बर्दाश्त किया, 10 साल बर्दाश्त किया, 20 साल बर्दाश्त किया, 30 साल बर्दाश्त किया। उस मर्द का चेहरा आज भी मेरी आंखों के सामने है, इस वक्त भी रोता हुआ मिला। पूछा क्या मामला है, कहा मेरे घर में गैर मर्द तो आ सकते हैं और मेरी बीवी, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मुझे घर में आने की इजाजत नहीं देती। कर लो शौक पूरे गुजारा करने के, बदकार औरत के साथ, बेहया औरत के साथ, फाहिशा औरत के साथ आप चाहें कि घर में सुकून हो जाए, नहीं हो सकता। अगर दुनिया में आर्जी तौर पे मिल भी जाएगा तो आखिरत में नहीं मिलेगा। लानत है उस मर्द पे जो अपनी बीवी के अंदर यह बुराई देखे कि वो बेहया हो फिर भी गुजारा करे, और बदनसीब है वो औरत जो अपने खावंद को बेहया बद किरदार देखे और फिर भी कहे कि गुजारा कर रही हो। गुजारा नहीं, वो हराम रिश्ते को निभा रहे हैं, हराम रिश्ते को निभा रहे हैं। जनाबे मरसद रजी अल्लाह तआला अन्हु मर्ज़ा, दौरे जाहिलियत में एक औरत के साथ माशका था, दोस्ती चलती थी, मुसलमान हो गए, जवाने राना थे, ताकतवर थे, बहादुर थे। कहा अल्लाह के नबी मेरे जिम्मे भी कोई काम लगाएं, मैं भी को दीन की खिदमत करूं। अल्लाह के प्यारे नबी भी क्या अजीम हस्ती थे, मर्द के मिजाज के मुताबिक जिम्मेदारियां लगाते थे, मर्द के मिजाज के मुताबिक जिम्मेदारियां लगाते थे। कहा साबका दौर से
रातों को जागने की भी आदत, रातों को चलने फिरने की भी आदत। कहा मक्का में मजलूम मुसलमान कैदी हैं, वो मक्का से निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पाते। तुम रात को जा जाके अपने कंधों पे उठा के उनको ले आया करो, ताकि उन मजलूमों को मक्का से और मक्का के जालिमों से निजात मिल जाए। ऐ अल्लाह, कश्मीर के मजलूम मुसलमानों पे भी एक साल गुजरने को है, गुजर चुका है, इन मजलूमों के लिए भी कोई निजात दहिंदा पैदा फरमा दे, अहले कश्मीर की मदद फरमा दे। इन्होंने ये जिम्मेदारी शुरू कर दी, मक्का के मजलूम मुसलमानों को कंधों पे उठा के ले आते, मक्का से बाहर फिर उनको चलाते, साथ लेके निकल खड़े होते। इसी तरह एक रात ये मक्का में पहुंचे तो वो सादका औरत जो बदकारा थी रात गली में फिर रही थी, कहने लगे मरसद, पहचाना है, पहचाना है, अनाक अनाक, आओ ना, रात का वक्त है, सादका यादें ताजा करते हैं, रात मेरे पास गुजारो। जनाबे मरसद रजी अल्लाह ताला कई उम्र उम्र से मुसलमान थोड़े थे, दिल के मुसलमान थे, सहाबी रसूल थे। कहा अनाक अनाक, मरसद ने कलमा पढ़ लिया है, और जिस नबी का कलमा पढ़ा है उसने इस काम को हराम कर दिया है, अब मैं ये काम नहीं कर सकता। उसने कहा अच्छा, नहीं करोगे तो शोर मचाऊंगी। बहरहाल इनकी किसी तरीके से जान छूटी, वापस आ गए। दिल में ख्याल आया कि वो बेशक जैसी भी औरत है, अगर मैं उससे शादी ही कर लूं तो क्या ख्याल है। अल्लाह के नबी से पूछा, ए अल्लाह के प्यारे नबी, मेरे साथ ये हुआ है, अगर मैं उस अनाक से शादी कर लूं तो क्या ख्याल है, क्या मैं उससे निकाह कर सकता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी खामोश हो गए। अल्लाह ने ये आयत मुबारक उतारी, अज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका वज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक वहुर्रिम ज़ालिका लिल मुमिनीन। बदकार मर्द किसी बदकार औरत से निकाह करता है, उसी को बदकार औरत पसंद होती है, या मुशरिका औरत और बदकारा औरत, फाहिशा औरत, वो भी किसी बदकार मर्द को पसंद करती है या मुशरिक को। وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, अहले ईमान के लिए बदकार औरतों से निकाह हराम है। अगर वो तायब हो जाएं, तौबा कर लें, उनकी तौबा सच्ची हो, साबित हो जाए, पाक दामन हो जाए, सच्चे दिल से तायब हो जाए, तो अलादा बात है। और जो रिश्ता निकाह में मुंसलिक होने के बाद, शादी करने के बाद भी इधर उधर की खाक छान रही है, इधर उधर के जायके चख रही है, ये इस बात की अलामत है कि उसने न सिर्फ ये कि तौबा नहीं की, बल्कि वो तो पक्की बदकारा औरत है। आप कहते हैं उसके साथ गुजारा कर लेते हैं, ये गुजारा नहीं, इसे बेगैरती दीन ने कहा है, इसे दीन ने बेहयाई कहा है, इसका खमियाजा फिर इसी तरह बार दफा भुगतना पड़ता है कि ये औरत पांच छह बच्चों के बाद भी आपके साथ बेवफाई कर सकती है, और 20-30 साल के बाद भी आपको घर से धक्के देके निकाल सकती है, और अगर दुनिया में तुम बच भी गए तो आखिरत में पकड़े जाओगे। अल्लाह को ये बेगैरती गवारा नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है हमारे घरों की अल्लाह इस्लाह फरमाए, और हमें इस्लाह की फिक्र नसीब फरमाए। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।